उधार दवाई ला रही है, ऊपर से कहाँ से पटा दे और उस पर विचार कर सके। ये वो किसान है जो एक साल होने को जा रहा है, 26 तारीख को एक साल हो जाएगा घर से निकले हुए। एक साल से ना रुका है, ना झुका है, ना टिका है। ठीक नहीं किया अभी, हमारे आने के बाद अगर हो जाए तो का पता नहीं है। भूल में आ रहे हैं बिल्कुल, और ये भूल जो है उनको शायद मुझे ऐसा लगे कि बहुत महंगी पड़ जाए, क्योंकि अधिकारी तब माना जाता है जब वो जनता के काम करे। जब अधिकारी जनता काम नहीं करेगा फिर कहेगा अधिकारी एक एटीट्यूड में बात करे और अपने को ये पेश करे कि मैं अधिकारी हूं। सबसे पहले वो अपने दिमाग के जो स्क्रू ढीला हो गया उसे खोल ले। किसान है तो अधिकारी माना जाएगा, किसान का नौकर है अधिकारी। हम अधिकारी का नौकर नहीं है, किसान का नौकर है अधिकारी। ये बात ध्यान से सुन ले और अपने आप को सही सिस्टम पर लाके लागू कर दे। इस देश में कैसा शासन चल रहा है? जब प्रजाई दुखी है तो राजा मौज ले रहा है, राजा को कोई पता नहीं है तुम्हारी प्रजा के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राजा कहता है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, इस किसान पर भगवान की भी मार, प्रशासन की भी मार, और हमारे देश का सबसे झूठा वर्ल्ड क्लास झूठा झूठा प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहां जेवर टोल पे किसानों का धरना चल रहा है, आप जेवर तहसील पर भी गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, तो आप कब तक यहां बैठे रहेंगे? यहां शासन से बात हो गई है, एक घंटे में एजीबी साहब ने टाइम लिया है कि ईडीएम या जो भी उच्च स्तर का अधिकारी है वो यहां आके हमारी बात सुन ले। अगर बात नहीं सुनेगा तो एक घंटा पीछे जो भी हमारा शीर्ष निर्णय लेगा वह निर्णय हम पूरा करेंगे और किसान की जो बेमौसम बारिश में ये फसल का नाश हुआ है इसका पूरा मुआवजा लेंगे। यहाँ से जब उठेगा किसान उठने वाला नहीं है यहाँ से। हाँ जी, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बेमौसम बारिश हुई है, हमारे किसानों की फसलों में बहुत बड़ा नुकसान है, उसका कोई सर्वे नहीं, कोई मुआवजा नहीं, हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत सुस्त है। सबसे पहला मुद्दा तो वही है कि उनका सर्वे किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी आप जेवर तहसील पर गए थे, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ? वहाँ कोई सक्षम अधिकारी था ही नहीं, तहसीलदार था, तहसीलदार को जानता ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं जानता। अच्छा, तहसीलदार सक्षम भी नहीं था। पटवारी ने सर्वे किया था, कितना परसेंट बताया था? 25% पटवारी बता रहे हैं किसान का, 80% नुकसान है।
तो अभी आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? कुछ सक्षम अधिकारी आ रहे हैं, बता रहे हैं, आए तो हम यहाँ रोड वोड जाम करने के लिए आए, लेकिन अधिकारियों के आग्रह पे कि भाई कुछ देर रुक जाओ, हमारे अधिकारी आ रहे हैं और पहले वार्ता करो, उसके बाद में होगा जो कुछ होना है। क्या चाहते हो सरकार से कि आपके जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई दिया जाए? सरकार से तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सरकार के बस की कुछ करना तो है नहीं, सरकार हमारी है ही नहीं, सरकार तो पूंजीपतियों की है, सरकार तो मोदी की है, बस सरकार से क्या चाहेंगे हम? हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कर दो। उधर प्रधानमंत्री कहता है कि MSP है, थी, रहेगी, तो हमारी फसल MSP तोड़ लो, बाजार देख लो किस रेट बिक रहा है, धान देख लो किस रेट बिक रहे हैं, मक्का देख लो किस रेट बिक रही है, हमारी फसल मतलब फसल तो जानी चाहिए MSP पे। सरकार से क्या चाहेंगे? पराली जलाने पे केस कर रही है, उन किसानों के खिलाफ केस है जिन किसानों की पराली जली ही नहीं, धान कटे ही नहीं उनके, उनके खिलाफ केस है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ इस सरकार में, तो सारे मुद्दों को लेकर आके बैठे हैं यहाँ, और जब तक समाधान पूर्ण रूप से समाधान ना हो जाए, जब तक जाने वाले नहीं भैया, हम पूरा समाधान करके जाएंगे हम।